देखो दोनों शोज को, मतलब जमीन आसमान का फर्क है दोनों में, फिर भी मेरी रेटिंग नीचे चली गई है, वो भी 7 पॉइंट्स। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। बड़ा घपला करते हैं भाई ये लोग। जो रेटिंग कंपनी का मालिक है ना, बार बार मुझे खाने में बुला रहा था। किसी ने ऑफिस में बताया था मुझे कि वो कुछ करने वाला, और देखो कर दिया उसने, जहां जोर लगा सकता था लगा दिया उसने। तो ये बात अपने चैनल ओनर के नोटिस में लेकर आओ ना, तो वो कुछ करेगा। ऑब्वियसली लेकर आऊंगी, मेरे शो से ही चलता है चैनल इनका पूरा, मामूली बात थोड़ी है। और वहां पे वो आए ना, तूफान उठाए हुए सर पे, बैंड बाजे बजा रही होगी वो तो। कोई बात नहीं, देखना रेटिंग वापस आ जाएगी। अगली बार की बात तो बाद में देखी जाए, कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इस समय मसला क्या हुआ है। अच्छा वो जो थोड़े दुबई से पैसे ट्रांसफर करने थे, मैंने तो अपने शो वालों को कह दिए, पूरी टीम को कह दिए, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन क्या करें ऐसा कि रेटिंग वापस आ जाएगी शो में कुछ। लेकिन मैं ये बात पूछ रहा हूँ, पहले इसका जवाब तो दो। तुम क्या पूछ रहे हो? जो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करनी थी वो कर दी? मैं कर लूंगी, कल ऑफिस जाऊंगी तो देख लूंगी, पहले ये तो देखो कि ये वाला मामला कहां तक पहुंचा है पहले। जन्नत देखो, रेस्टोरेंट की बिल्डिंग लीज हो चुकी हुई है, रेनोवेशन का काम शुरू है, डिलेज आए तो बहुत बड़ा मसला होगा। नहीं होगा डिले, नहीं होगा मसला। चैनल वालों ने मुझे कुछ पैसे देने, वो भी साथ ही पाइपलाइन में, मैंने कहूंगे इकट्ठे दे देंगे, ठीक है? बस ठीक है, जल्दी करवा देना प्लीज। नमान तुम कितने सेल्फिश हो, तुम्हारे सामने मैं कितनी परेशान हूँ, मेरे शो की रेटिंग नीचे गिर रही है और तुम्हें अपने रेस्टोरेंट की पड़ी हुई है। और क्या कहूँ, तुम जन्नत अली खान हो, रेटिंग दोबारा आ जाएगी। श्रीमत मुझे यही बात तुम्हारी बहुत बुरी लगती, यही एटीट्यूड जिससे नफरत है मुझे। बाकियों के शौहर अपनी बीवी को सपोर्ट करते हैं और तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं जन्नत अली खान हूँ तो मुझे रेटिंग से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई मसला ही नहीं होगा। तो और क्या कहूँ, वैसे भी दिस इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड एनीवेज, शो है, रेटिंग है, आज गिरी है कल ऊपर आ जाएगी। यू नो व्हाट, इट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर मी। आज जन्नत जी बहुत परेशान थी। हाँ मालूम है मुझे, वो शो की रेटिंग गिर गई है। ये रेटिंग्स होती क्या है? जन्नत जी से पूछा तो वो मुझ पे गुस्सा कर गई। ये तो मुझे भी नहीं पता क्या होती है, लेकिन जब रेटिंग गिरती है ना तो मसले की बात होती है। सारा दिन सबसे लड़ती रही है, खाना भी नहीं खाया उन्होंने। उम्मीद तो कुछ नहीं कहा ना? नहीं, कुछ कह भी देती तो मुझे परवाह थोड़ी थी। पहले तो तुम्हें उनकी बड़ी परवाह होती थी, अब क्यों नहीं हो? जन्नत अली खान के शो में जैसी जन्नत जी है ना, वो असल जिंदगी में बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, वो कुछ और ही है। मैं तो तुम्हें पहले भी समझाता था, ये जो स्टार्स दिखते हैं ना वैसे होते नहीं है। इनके पीछे पागल नहीं होना चाहिए। हाँ लेकिन जैसी जिंदगी वो गुजार रहे हैं ना, वो होती है जिंदगी। ये जो हम गुजार रहे हैं ये कुछ भी नहीं है। तो बस उनकी जिंदगी में बहुत परेशानी है, हमसे भी ज्यादा। हमारी जिंदगी में ऐसे कौन सी परेशानी नहीं होती? ये बताओ, हमारी जिंदगी में ये रेटिंग के मसले होते हैं? हाँ रेटिंग के मसले नहीं होते, लेकिन लोड शेडिंग के होते।
खाने के मसले होते हैं, पीने के मसले होते हैं, कपड़ों के मसले होते हैं, हर चीज़ के मसले होते हैं, मगर रेटिंग के मसले नहीं होते हैं। अच्छा एक मिनट, लाइट आ गई। पहले जैसी थी। तुम हर वक्त उनकी रेटिंग की बातें करती रहती हो, यहाँ पर हमारी रेटिंग डाउन हो। जो भी कहा था हमने किया। I love you। हम जिसको इश्क समझे। चल अब सो जाते हैं। चलो ना आरुक सो जाता, उसको उधर रखो, गर्मी लग रही है वैसे भी। चलो सुबह तुमने भी उठना है, मुझे भी उठना है। फारूक मेरे लिए मसला है, ये जो रेस्टोरेंट तुम बनाने जा रहे हो ना, उसी शो के पैसे से बन रहा है जिसकी रेटिंग नीचे जा रही है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितनी परेशान हो रही हूँ, कितना बड़ा मसला है मेरे लिए। ये इंटरेस्ट है तुम्हारा मेरी जिंदगी में? मैं यहाँ पे तड़प रही हूँ और तुम सो रहे हो। नुमान, नुमान उठो, नुमान मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम सो कैसे सकते जब मैं इतनी परेशान चल रही हूँ? बाहर में जाओ। सोशल मीडिया पे मेरा क्लिप वायरल कर दिया गया है, ट्रोल किया जा रहा है मुझे, और तुम लोग की टीम, तुमसे कुछ नहीं होता? नहीं जन्नत, हम कर रहे हैं काम, लेकिन उनके लेवल तक भी तो नहीं गिर सकते ना। क्यों नहीं गिर सकते? अगर वो गालियां दे रहे हैं तो तुम भी गालियां दो। इतने सारे पैसे दिए जाते तुम लोगों को हर महीने, तो कर क्या रहे हो मेरे लिए? हाँ, और वहां पे आयला की सोशल मीडिया टीम बक्शी उधेड़ के रखती है मेरे उन लोगों ने। अब किसी का कोई लिहाज नहीं होगा, ठीक है? गालियां देनी पड़ी उन लोगों को तो दो, इजामात लगाने पड़े तो लगाओ, ह्यूमिलिएट करो, कुछ भी करो। और फिर न्यूज चैनल्स पे मॉर्निंग शोज की बात कर क्यों रहे हैं? मुझे क्यों रिटिक्यूल कर रहे हैं वो लोग? सब मॉर्निंग शोज की बात की जा रही है, आयला की भी बुराई की है। बाहर में जा आयला, उनके चैनल से जाके बात करो ना कि अगर उनके शो की रेटिंग नहीं आ रही तो मुझे क्यों बुरा भला कह रहे हैं वो लोग? हाँ जन्नत, कर रहे हैं बात, ब्लॉगर से भी बात हुई है मेरी, आर्टिकल भी लिखवा रही हूँ मैं, और अगर आप इंटरव्यू भी देना चाहती हैं तो बता दें, मैं लाइनअप करवा देती हूँ। हाँ करवा दो, जो करवाना करवा दो, बल्कि हेडलाइन लिखवा दो कि पाकिस्तान में जितने मसले हैं उन सब की जिम्मेदार जन्नत अली खान नहीं है। क्या देख रहे हो तुम लोग? नजर नहीं आ रहा कितनी नाराज है जन्नत? कुछ करो तुम लोग। नहीं क्या मतलब होल्ड पे डालेंगे मेरी पेमेंट को? अगर एडवर्टाइजर की तरफ से डिले है तो इसमें जन्नत अली खान का क्या कसूर है? आप जीएम को बता दें, अगर मेरी पेमेंट में कोई डिले आया तो मेरे पास और भी ऑप्शन है, कई चैनल ऑफर कर रहे हैं मुझे। इस तरह मत करें, मुझे फौरी तौर पे 8 मिलियन की जरूरत है। अगर अगले 2-3 दिन में मेरे अकाउंट में पैसे ना आए तो मैं शो बीच में छोड़ कर चली जाऊंगी, फिर करवाते रहे जिसे करवाना है। सुबह से कितने कॉल्स कर रहे हो? मैंने कहा ना परसों कर रही हूँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तुमने खुद ही तो कहा था मुझे कि याद दिला देना, मैं बस रिमाइंड करा रहा हूँ तुम्हें। मैंने कहा था रिमाइंडर दो, पीछे ना पड़ जाओ। मुझे अगर पता होता ना कि बीच पे तुमने ऐसे करना है तो मैं ये प्रोजेक्ट स्टार्ट ही ना करवाता। तुम्हारी कमिटमेंट्स की वजह से मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। हाँ दुनिया जहाँ की सारी बुराई जन्नत अली खान में ही है ना।
साइकियाट्रिस्ट की तरफ लो।